सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बे ब्यूटी। सो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे हैं। सो मेरा आज का वीडियो है, अगर आप कहीं जा रहे हो लाइक एक दिन के लिए और आपको कल ही ऑफिस भी जाना है और आप ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेकअप कैरी नहीं करना चाहते हो, तो आप सिर्फ कुछ ही चीज़ों को कैरी करना चाहते हो, जैसे कि आप कुछ टचअप करके आप नेक्स्ट दिन ऑफिस जा सको। सो मैं आज वही रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो लाइक ओनली 5 प्रोडक्ट्स से मैं आज फुल मेरा जो मेकअप है वो करने वाली हूँ, एंड बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो आप इजीली कैरी कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि मैंने मेरा स्किन केयर पहले ही कर लिया, मॉइस्चराइजर भी कर लिया और टोनर भी लगा लिया, तो अभी मैं डायरेक्ट मेकअप से शुरू कर रही हूँ और मैं 5 प्रोडक्ट काउंट करूँगी। अभी वेदर बहुत चेंज हो रहा है, लाइक कभी गर्मी हो रहा है, कभी ठंड आ रहा है, कभी बारिश हो रहा है, तो मेरी स्किन में थोड़ा नो एक्ने प्रॉब्लम चल रहा है। लाइक आप देख सकते हो कि इधर भी कुछ है एंड इधर भी कुछ, इधर एक्चुअली एक्ने नहीं है बट स्पॉट्स जो है रह गया। अभी वो धीरे धीरे मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, लाइक मेरे होम रेमेडीज एंड एवरीथिंग। सो मैं वो कर रही हूँ ट्रीटमेंट, जब ख़त्म हो जाएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो शेयर करूँगी कैसे मैंने ऑल दीज थिंग्स अचीव किया। सो नेक्स्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेकअप से। तो पहले जो करना है वो है फाउंडेशन। तो ऑफिस में कोई फाउंडेशन तो यूज़ नहीं करता, तो मैं पॉन्स का जो बीबी क्रीम है वही यूज़ करूँगी। एज बीबी क्रीम है तो बीबी क्रीम ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, तो मैं इसलिए कोई ब्यूटी स्पंज यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि स्पंज जो है वो थोड़ा आपका जो कवरेज है वो कम कर देता है। सभी जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट से मैं मेरे जो फेस है उसे अच्छे से सेट करूँगी। एज ऑफिस जो लुक है उसमें सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बस और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हो, तो आपका जो स्किन है, अगर आपका जो मेकअप है अगर आप सेट नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे कि हम ऑफिस में हम सबको 12 आवर्स तो रहना ही पड़ता है। सो अभी और 3 ही प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि बाकी का जो 2 है मैंने यूज़ कर लिया और अभी मेरी सिर्फ 2 ही पार्ट बा दो नहीं एटलीस्ट 3 पार्ट बाकी है, जो है मेरे आई लिप एंड मेरे आईब्रोज। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आईब्रोज। आईब्रोज को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि आईब्रो जो है वो आपकी लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। अगर आप आईब्रो करेंगे और कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई करेंगे तब भी आपका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। सो नेवर फॉरगेट योर आईब्रो। तो आईब्रो के लिए मैं काजल ही ले रही हूँ, और काजल को मैं यहाँ पर NYB का काजल ले रही हूँ और मैं स्ट्रोक ड्रॉ कर रही हूँ और इसी से मैं फुल आईब्रो को ड्रॉ कर लूँगी एक एंगल ब्रश के हेल्प से। सो अभी बारी आता है आई की, और आई के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन का लिपस्टिक, और ये जो शेड है ये है डिवाइन वाइन, और इससे मैं अपने ऑल ओवर द आईलिड अप्लाई करूँगी। और फिर एक ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो अभी मैं एक उसी काजल के हेल्प से आउटर वी में थोड़ा स्मोक आउट करूँगी। और एक ब्रश के हेल्प से इसे स्मज आउट करूँगी। सो अभी बारी आती है ब्लश की। ब्लश के लिए मैं ये लाल लिपस्टिक ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ब्लश लाल लिपस्टिक ज़्यादा ब्लश अच्छा नहीं लगता, एंड पर फिर भी ब्लश के बिना मेकअप अधूरी रहती है।
और जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है मस्कारा। मस्कारा यू नो हमारे आई को एक बहुत अच्छा डेफिनेशन देता है, हमारे आईज को बिगर बनाती है, तो मस्कारा को स्किप मत करना। सो माय 5 प्रोडक्ट्स आर डन एंड या दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप यू गाइस लाइक दिस लुक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लाइक 5 प्रोडक्ट्स में मैंने बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट किया है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक लीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको ये 5 प्रोडक्ट्स मेकअप लुक कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।